लेकिन जब कंपनी से बात वगैरह हो गई थी, सारी डिटेल्स हमें पता चल गई थी, वो हमारे लिए सपोर्ट कर रही है, बात कर रहे हैं वहाँ पे। कुल मिला के तीन नंबर थे हमारे पास, तीनों नंबर पे हमने बहुत ट्राई किया, मतलब वाइबर से कॉल करने की कोशिश आती थी, तो अचानक ही कहा था कि आप जॉर्जिया आ जाओ, आप दुबई से जॉर्जिया आ जाओ, अगर ऐसा कुछ होता है अलाउड नहीं है, और अगर कोई भी मतलब इवन इंडियंस नहीं, आप किसी भी देश से बिलोंग करते हो, अगर आप लास्ट 14 डेज में आप इंडिया में हो तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पैनिक होने की कंडीशन आ गई थी क्योंकि दोबारा से वही सब चीजें, होटल करो और पता नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी थी, आर्मेनिया से इनको जाना था और इनको बोर्ड नहीं करने दिया था दुबई से, और मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आए उसके रिगार्डिंग, कमेंट्स भी आए, इंस्टा भी मुझे लोगों ने पूछा। तो फाइनली अखिलेश जी और मैम, आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप अभी फाइनली आर्मेनिया में हो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से दो दिन बाद ही आप वहाँ पर पहुँच गए थे, तो लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझसे पूछ भी रहे थे कुछ लोग, तो जानना चाहते हैं कि कैसे आप पहुँचे वहाँ पर, और क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ आपने कवर अप कर लिया, जैसे आपको बोर्डिंग डिनाय कर दी, आपने वीजा मंगवाया वो, और फिर आप पहुंच भी गए, तो फाइनली पूरा प्रोसेस लोगों को बताइए, ताकि इन केस अगर किसी के साथ होता है ऐसा, देन व्हाट ही कैन डू अबाउट दिस। देखिए, जैसे हम पहले हमें मतलब बोर्डिंग डिनाय कर दी, तो सबसे पहले तो मतलब पैनिक हो गए थे उस दिन, लेकिन ठीक था, थोड़ा सा वहां पे बातचीत करी, उन्होंने बोला कि आप रिशेड्यूल करवा लीजिए। हमने भी कंपनी में, सबसे अच्छी चीज ये थी कि हमारा कंपनी के थ्रू था, अगर इंडिविजुअली हम जा रहे होते मतलब कुछ भी विजिट वीजा पे या टूरिज्म वीजा पे, तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये था कि वहाँ पे हमने रिशेड्यूल करा दी थी, संडे को हमारी फ्लाइट मतलब जिसमें हमें जाना था तो वो तो मिस हो गई थी, तो हमने उसे फिर ट्यूजडे का करा दिया था। हमने सोचा मंडे को तो बया नहीं आऊ, तो संडे को भी हमने काफी कोशिश की, कुछ मतलब हमने मेल्स वगैरह किए, कंपनी में बात की, कंपनी वालों ने भी मतलब हमें यही कहा कि मतलब आज वो करेंगे नहीं, आपका मतलब हो जाएगा मंडे को, मतलब ये फॉर श्योर है। तो हमने कहा ठीक है, हम भी निश्चिंत बैठे हुए थे। तो मंडे को जैसे ही मतलब मॉर्निंग में हमारी मतलब जैसे ही एचआर हमारा ऑफिस खुला, एचआर ने कॉल्स वगैरह करना शुरू कर दिया, बहुत कॉल्स उन्होंने भी की, तो फाइनली 10 बजे जाके उन्होंने मतलब मेरे मेल्स मतलब जब मेरे कंपनी से उनको कॉल किया, देन उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि हम आपके जो वीजा, मैंने उनसे ये कहा था कि आपके एंड पे मिस्टेक हो गई है, आपने ये जो वीजा है ये हमको गलत दे दिया, गलत डेट्स का दे दिया, जो भी हमने मतलब डेट्स मांगी थी और ये डेट्स आपने उस हिसाब से हमें वीजा इश्यू नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऑलरेडी मैं पे तो कर चुका हूँ $64 के आसपास दोनों का हम वीजा के पास, तो आप उसमें डेट्स चेंज कर दिए। तो उन्होंने जो मेरे को रिप्लाई किया वो ये था कि मतलब डेट्स तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, जो ऑलरेडी इशूड वीजा है, तो आपको नया वीजा ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मतलब फिर उस टाइम थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, एक तो तुम्हारी गलती ऊपर से हम दोबारा डील कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। फिर मैंने कहा चलो, उस टाइम मजबूरी थी तो फटाक से उसी टाइम मैंने वीजा मतलब अप्लाई कर दिया था। ये रात की बात है, रात करीबन 12 बजे की बात है। तो फिर दोबारा आपने उसका चार्जेस पे किए, राइट? हाँ, फिर मैंने दोबारा से वीजा अप्लाई किया, दोबारा से $32 का है शायद एक आदमी का, तो मैंने दो मतलब जो 4 महीने का वीजा है तो वो दो महीने मतलब दोनों लोगों का दोबारा अप्लाई किया, और इस टाइम मैंने कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहले से ही इशू था, मतलब अप्रूव वीजा था, तो मैंने बस उसी की कॉपी लगा दी थी, और मैंने कहा कि ये मेरा ऑलरेडी मतलब उसमें एक ऑप्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, वहां पे मैंने मैसेज लिख दिया था कि मेरा वीजा मैं दुबई में मतलब फंस गया हूँ और मेरा वीजा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें मिस्टेक हो रही है, टाइप हो रहा है आपके एंड से। तो रात में मैंने मैसेज किया था, सुबह जैसे ही कंपनी में कॉल्स वगैरह करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि मेरे को वापस मेल आया कि उन्होंने वो प्रोसेस कर दिया, और मतलब तब तक हमारे पास टाइम था, हम दुबई एक्सपो वगैरह निकल गए थे क्योंकि हमने निश्चिंत हो गए थे चलो हो ही जाएगा, कंपनी भी इन्वॉल्व हो गई है और वहां से एम्बेसी से भी हमको मतलब रिप्लाई आ रहा है, तो ठीक है हम थोड़ा दुबई एक्सपो क्या। एक चीज यहां पे पूछना चाहूंगा कि मान लो जैसे आपको कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, राइट? अगर इन केस किसी के पास वो ना हो तो क्या उसको भी मिल सकता है? नहीं, फिर पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती। एक तो उनका नंबर लग नहीं रहा था, मतलब उनका कोई भी नंबर नहीं, उन्होंने साइट वगैरह पे जो हमने अपनी रिसर्च की थी, हाँ एक हॉटलाइन नंबर था, उसके अलावा 2 नंबर और थे, कुल मिला के 3 नंबर थे हमारे पास, तीनों नंबर पे हमने बहुत ट्राई किया, मतलब वाइबर से कॉल करने की कोशिश की, वाइबर का मतलब एक आउटलाइन आता है कहीं भी वर्ल्ड वाइड कॉल किसी भी मोबाइल नंबर पे, उस पर हमने बहुत कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने उठाया नहीं। फिर हमको फाइनली अपनी कंपनी के थ्रू
कॉल करवाना पड़ा। तो फिर अगर कोई इंडिविजुअल कराता तो मुझे लगता कि पॉसिबल ही पॉसिबल नहीं था नहीं कि एक होता दिन में उसके लिए। वीजा आ जाए। तो भाई ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि इनको मतलब बिल्कुल नहीं मुश्किल से मिलाई हुई कह सकते हैं, इतना इजीली नहीं है किसी। अगर मतलब टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करो और अगर आपके साथ ये इशू हो जाए तो उसके इजीली दोबारा वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल है। और इनका जो वो हो तो जाएगा, लेकिन हाँ हो तो जाएगा, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, लग ही क्योंकि जाएंगे कंपनी का सपोर्ट था। तो उन्होंने फटाफट कॉल किया, ऊपर से उनका लैंग्वेज बैरियर भी रहता है। अब यहाँ बिल्कुल। के लोगों को क्या है कि उनकी प्राइमरी जो उनकी मतलब मदर टंग है वो अर्मेनियन है, देन सेकेंड लैंग्वेज जो है वो रशियन है। रशियन है। तो या तो आप अर्मेनियन जानते हो, या इवन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, थोड़ा अच्छा इशू ये रहता है। भी हाँ, इशू है। तो थोड़ा ओके इशू रहता है। इवन यहाँ भी नहीं है, मतलब आप बिल्कुल। कहीं भी जाओगे, आप जॉर्जिया चले जाओगे, यूक्रेन, मोल्डोवा, वहां सब बुल्गारिया वगैरह सब एक जैसे ही है, वहां पे भी ओके ज्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ओके तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। जितने ओके भी पुराने सोवियत हाँ 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 यूनियन के कंट्रीज है वहां थोड़ा सा इश्यू रहता है इस चीज का। लेकिन जैसे भी था, कुल मिला के हमारा वीजा मतलब हमने सेम डे तो नहीं, संडे को जैसे हमें फ्लाइट थी तो मंडे को हमारा वीजा आ गया था। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमने ट्यूजडे ट्यूसडे ट्यूजडे की फ्लाइट थी, सबसे बड़ी गलती हमारी एक और हो गई थी कि हमारे पास मतलब हमें हम निश्चिंत हो गए थे, तो हमने ये भी हमारे दिमाग से निकल गया था कि हमें 72 आवर्स पहले की वो चाहिए थी, क्या बोलते कोविड हैं, रिपोर्ट। कोविड की रिपोर्ट। तो यस हाँ, तो अब ये हुआ था कि जब वो लास्ट में हमको याद आया तो हमने आनंद फानंद में, हम सबसे अच्छी ये चीज हुई कि हमारी दिन की फ्लाइट थी 2:25 की, तो ओके हमने ओके वो करवा दिया था मॉर्निंग में। हाँ, तो हमारे मतलब उम्मीद नहीं थी कि उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो लेकिन कोविड का सैंपल आपने क्योंकि कहाँ अब पे मान लो होटल में ही दिया या फिर कहीं लैब वगैरह में आप गए थे? होटल में ओके दिया, 150 दिनम उन्होंने एक मतलब एक आदमी का लिया, तो टोटल ओके हमने 300 दिरहम पे किया था। ओके 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 तो थोड़ा सा हम टेंशन में थे कि मतलब रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये था कि हमने थोड़ा अपनी रिसर्च की थी तो हमें पता था कि कोविड की रिपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब आप 3 ऑप्शन है, अगर आपको अर्मेनिया एंटर करना है, या तो आपके पास 72 आवर्स पहले की रिपोर्ट हो आरटीपीसीआर, या आपके पास कोई भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन का मतलब कोविड सर्टिफिकेट हो सर्टिफिकेट दोनों डोज का, और जो दोनों लास्ट सेकेंड डोज होगी वो आपके अर्मेनियन फिर आरटीपीसीआर मांग ली। तो लकीली हमारे पास ये था कि बाय मतलब उस टाइम तक हमारे पास वो दोनों रिपोर्ट आ गई थी, तो हमने दिखाया तो उनको आगे उन्होंने जाने दिया। ओके 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 तो आपका दुबई से फिर आपका क्लियर हो गया ऑलमोस्ट सब कुछ। क्लियर हो गया। और एक और चीज मुझे यहाँ पे ये पता चली कि हमारा उस टाइम ये प्लान बन गया था कि अगर हम नहीं जाएंगे, मेरी एचआर के साथ भी बात हुई थी, तो एचआर ने कहा था कि आप जॉर्जिया आ जाओ, आप दुबई से जॉर्जिया आ जाओ अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उसको उस टाइम तक पूरा इशू पता नहीं था, किसी को मतलब पता नहीं अलग था। अलग डिपार्टमेंट से, तो हाँ मतलब दूसरे लोगों को पता था, उससे नहीं पता था। तो उन्होंने ये कहा था कि आप जॉर्जिया आ जाओ, आप जॉर्जिया में स्टे करो, क्योंकि हमारा एक मतलब ऑफिस का एक ब्रांच वहां पे भी है। तो हमने मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया था मुझे, तो मैं सोच रहा था जॉर्जिया के लिए, तो मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो मुझे ये चीज पता चली कि जॉर्जिया में इंडियंस अभी अलाउड नहीं है। अभी अलाउड नहीं है। तो हाँ, अभी अलाउड नहीं है। और अगर कोई भी मतलब इवन इंडियंस नहीं, आप किसी भी देश से बिलोंग करते हो, अगर आप लास्ट 14 डेज में आप इंडिया में हो, एंट्री नहीं मिलेगी तो भी जॉर्जिया आपको एंट्री नहीं मिलेगी। में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना भाई, जो भी जॉर्जिया ट्रैवल का प्लान कर रहा है तो उसका भी आप ध्यान रखना। अच्छा तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है इनके साथ तो बोर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई दुबई में राइट? तो उसके बाद फिर आपने दोबारा मतलब वीजा मंगवाया, तो आपको फिर कैसा एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लगा जब बोर्डिंग नहीं करने दी थी दुबई में? उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद मेरी ट्रिप हो गई 3 दिन की और एक्स्ट्रा, ओके तो ओके एक दिन का प्लान तो फिर आपने एक दुबई को दिन का एक्सप्लोर प्लान किया करके पूरा? आए थे, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया। ओके ओके तो फर्स्ट टाइम आपने ट्रैवल किया तो कैसा लगा, मतलब बोरिंग जब एक जब था बोर्ड ना, नहीं करने दिया था तो वो बताइए थोड़ा सा, क्योंकि फील होता है, क्योंकि यार बोर्ड नहीं करने तो पैसे ही बर्बाद होते हैं, ऊपर से फिर टेंशन अलग हो जाती है राइट? हाँ सीरियसली वो पैनिक होने की कंडीशन आ गई थी, क्योंकि दोबारा से वही सब चीजें, होटल करो, और पता नहीं था कि दोबारा कब वीजा हमें मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ये सब चीजें। लेकिन ठीक था, मेरे लिए अच्छा था, ओके क्योंकि मुझे ज्यादा आपने टेंशन आपने जो नहीं। दिन थे आपके वो दुबई एक्सप्लोर कर लिया आपने राइट, वीजा की हाँ, कंफर्मेशन मिलने के बाद। और वो हाँ, लेकिन जब कंपनी से बात वगैरह हो गई थी, सारी डिटेल्स हमें पता चल गई थी कि वो हमारे लिए सपोर्ट कर रही है, बात कर रही है वहां पे, तो उसके बाद फिर सारी चीजें रिजॉल्व हो गई थी, तो दिक्कत नहीं थी। ओके 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 अब जब नेक्स्ट टाइम और आपने वो बोर्डिंग करी तब तो कोई डाउट होगा नहीं आपके माइंड में जब दोबारा वीजा आया आपका? अब
नेक्स्ट टाइम से कभी भी ट्रेवल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पहले बहुत पता है कि क्या क्या चीजें देखनी है। ओके 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 चलिए। अच्छा और हाँ, इस दौरान एक और चीज, एक चीज और हुई हमारे साथ, जब हमने फर्स्ट टाइम चेक इन कर रहे थे हम लोग तो उन्होंने सिर्फ सब कुछ हमारा क्लियर कर दिया था, बस वो वीजा का हमने लास्ट में पूछा तो उसमें इशू बताया। लेकिन इस टाइम में लास्ट, अब जैसे मैं अभी गया था तो उन्होंने इस बार मेरे से होटल बुकिंग वगैरह मांग ली, तो मतलब मेरे पास यहाँ, मतलब मैंने अपार्टमेंट रेंट किया हुआ, तो उन्होंने मतलब मैंने रेंट का वो लीज किया, वो उनको पेपर दिखाया, वो पूरा आर्मेनियन में था, एक साइड आर्मेनियन एक साइड रशियन, तो उनको समझ में तो आया नहीं। लेकिन नहीं तो ये चीज आप, ये चीज आप मुझे बता रहे हो इमिग्रेशन पे, अर्मेनिया इमिग्रेशन पे? नहीं, इमिग्रेशन पे नहीं, चेक इन पे। पहले जब चेक इन हुआ अच्छा था, फर्स्ट अच्छा डे जिस दिन हमको डिनाई कर दिया था, उस दिन उन्होंने होटल बुकिंग्स वगैरह कुछ नहीं मांगी थी, हमारा लगभग हो गया था, बस वो वीजा का इशू था। अगर वीजा का वो इशू नहीं होता तो हमको आराम से चेक इन करने देते। लेकिन मैं अच्छा ये बताना चाहूंगा, जो लोग भी आर्मेनिया का प्लान कर रहे हूँ, अपने साथ कंफर्म बुकिंग रखें, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डमी बुकिंग रखें booking.com से। आपको वीजा जरूर मिल सकता है booking.com से, लेकिन मैंने ये पर्सनली मतलब देखा है, कई बार क्या होता है कि वो लोग इमिग्रेशन पे आपका वो पूछ लेते हैं, आपका वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, होटल वाउचर्स वगैरह या आपकी जो भी बुकिंग का कंफर्मेशन होगा, और वो कॉल करते हैं आपके सामने अच्छा वहां पे, मतलब जो, हाँ वो कॉल करके कंफर्म भी कर लेते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हर बार ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि होता है। और इस बार मेरे से भी वो मतलब चेक इन काउंटर पे उन्होंने पूछा कि सर आपकी होटल बुकिंग्स वगैरह, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने उनको अपना इन्विटेशन लेटर दिया, सब कुछ दिखाया, तो वो मतलब कन्विंस हो गए थे। वैसे मैं सजेस्ट कर, मतलब जो भी आर्मेनिया आना मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को, और कंफर्म कर रहे थे कि भाई कंफर्म है या नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके तो उसके बाद तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आया फिर वहां पे दुबई में फाइनली। हाँ दुबई में फिर कोई इशू नहीं है, फिर आराम से मतलब दुबई से आर्मेनिया, आर्मेनिया भी कोई इशू नहीं है, बहुत यहाँ तो बहुत स्मूथली हो गया सर जी। अच्छा, यहाँ पे तो आपका बिजनेस वीजा था तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको यहाँ पे। हाँ बहुत स्मूथली हो गया था, ज्यादा कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, सीधा एकदम से आराम से क्लियर हो अच्छा तो गया। अगले जी एक चीज मुझे बताइए, जो एज ए टूरिस्ट ट्रैवल करना चाहता है वो कैसे करेगा अभी इस सिचुएशन में, अभी के टाइम में? आपका तो खैर बिजनेस वीजा था ठीक तो है। दैट इज ए डिफरेंट थिंग राइट, हाँ तो उसका थोड़ा बताइए अगर आपको देखिए, आइडिया है तो। हाँ वैसे मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि बिजनेस वीजा जो आर्मेनिया का ई वीजा निकलता है ना, उसमें ना इनका एक कोड होता है, जो कि जैसे वो मतलब एक कोड होता है U7 करके, वो सिर्फ उनको पता होता है जो यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर वाला है। कि अच्छा अगर आप वो वीजा किसी को दिखाओगे ना, आप चेक इन काउंटर पर भी दिखाओगे, तो ये वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये बिजनेस वीजा है। उसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरी है, अगर आप रिलेटिव्स को विजिट करने जा रहे हो तो वो एक अलग कैटेगरी में आएगा, अच्छा अगर आपको कुछ किसी कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो वो अलग, अगर आपका बिजनेस वीजा है तो वो अलग, लेकिन उसका कोड है U7U, मतलब इस तरीके से है, जो हमारे मेरे को जितनी बार भी इशू हुआ है वो U7 करके हुआ है, ओके तो मुझे पता चल जाता है। क्योंकि उसमें जब आप वीजा का मतलब भरते हो तो एप्लीकेशन भरते हो तो उसमें आप कैटेगरी चूज करते हो, तो मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बोलेंगे वो लोग, सिंपल ही है बिल्कुल वैसे ही। लेकिन हाँ एक और चीज मैं यहाँ पे बताना बिल्कुल चाहूंगा, बिल्कुल बताइए। आजकल आजकल आर्मेनिया के वीजा बहुत बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, इवन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं उनका वीजा रिजेक्ट हुआ, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अच्छा उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वीजा सिर्फ यहाँ दो कैटेगरी है, वीजा की दो कैटेगरी क्या है, मतलब जो ड्यूरेशन की उससे बता रहा हूँ मैं, एक है आपका 21 दिनों का, एक है आपका 120 दिनों का। 120 दिनों का जो वीजा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उनका मतलब वो मतलब 120 दिन का वीजा अप्लाई कर देते हैं। हाँ और दोनों की कॉस्ट भी बता देता हूँ मैं आपको, जो यहाँ 21 दिन का वीजा है उसकी कॉस्ट है $6, ठीक है, ओके $6 है, और जो आपका $120 का है, वो 120 दिन का है, उसकी कॉस्ट है $32। तो अगर आप आए तो कभी भी 120 दिन का वीजा ना लें, ओके तो 21 और दिन का आपने ट्राई वो करना वीजा चाहिए। लिया तो अगर आप, हाँ अगर आपने टूरिस्ट, आपका पर्पस मतलब टूरिज्म है, तो आप 21 दिन का मतलब 21 दिन का ही लें, 120 दिन का ना लें। अगर अगर उन्होंने देख लिया आपने टूरिज्म पर्पस डाला हुआ है और आपका 120 दिन का, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे बिना कोई क्वेश्चन किए, आप कुछ अच्छा भी नहीं, आप अपील भी नहीं कर सकते, ओके आपको ओके मेल आ जाएगा। क्योंकि मेरा मेरा एक बार रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट हुआ है, मैंने मैं अपना सबसे पहले का बता रहा हूँ, जब मैं ओके स्टार्टिंग में मैंने
अप्लाई किया था, तो 120 दिनों का टूरिज्म का, तो वो बहुत क्लियरली बोलते हैं कि मतलब हमें आपका ये जो ट्रैवल है, ये जो मतलब आप जर्नी होगी आपके, हमें वो सस्पिशियस लगता है कि हाँ 120 दिन 4 महीने कहाँ घूमेगा कोई बिल्कुल आप। बिल्कुल सही तो बात है, वो सही है, बात है। आप अगर आपका कुछ और भी पर्पज है, मतलब आप चाहे स्टडी के लिए या कॉलेज, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं अच्छा मेडिसिन वगैरह स्टडी कर रहे हैं। ओके हाँ, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, तो वो आते हैं। तो अगर आपका पर्पज कुछ और भी है, मतलब आपको अगर यूनिवर्सिटी विजिट करना है या अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप 21 दिन का वीजा लेके आओ, आप यहाँ आके बहुत इजीली एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, उस मुझे एक्सटेंशन का कॉस्ट नहीं पता, लेकिन वो शायद 1 से 2 दिन में आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। वो उसमें आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक का भी एक्सटेंशन मिल जाता है। मतलब वो डिपेंड करता है आपके जो भी पर्पज होगा, आपको अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करने होंगे तो वो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत इजीली एक्सटेंड हो जाता है। तो आप अगर आए तो 21 सिर्फ 21 दिन का वीजा ही लेके आए, 120 दिन का अगर आपने वीजा लिया है और आपका कोई तो मतलब टूरिज्म रिजेक्शन के पर्पज है चांस तो आपको 100% वीजा रिजेक्ट नहीं है, होगा, राइट? 100% मान लीजिए। ओके ओके ओके। चलिए अखिलेश जी, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और मेरे हिसाब से अभी कोई डाउट रह नहीं गया है जिसको भी आर्मेनिया ट्रैवल करना है तो, जी राइट? बिल्कुल 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 ओके, चलिए चलिए, मेरे हिसाब से जो भी ट्रैवल करेगा आर्मेनिया उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो इनके साथ हुआ वो औरों के साथ नहीं होगा भाई, डेफिनेटली नहीं होगा, राइट? चलिए अखिलेश जी, थैंक यू सो मच, मैम थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। हाँ, आपने काफ़ी टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी लोगों के साथ। तो भाई, जिसको भी ट्रैवल करना है आर्मेनिया, इस वीडियोस को आप फॉलो करो, और जो भी इन्होंने बताया मेरे हिसाब से 100% इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है, इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। बाकी कोई भी डाउट्स है भाई, आप इंस्टा पे मैसेज करना, देन वी